ढिंडोरी में प्रदेश भाजपा संगठन में युवा नेता अवधराज विलैया को भाजपा जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, जिसकी खुशी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अवधराज के स्वागत में रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी शामिल हुए। अवधराज विलैया के भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के बाद उनके स्वागत में रैली निकाली गई। जोगी टिकरिया पुल पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर स्वागत रैली बढ़ती चली गई और देखते ही देखते वाहनों का काफिला 2 किलोमीटर लंबा हो गया। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी की गई, शॉल और श्रीफल माला पहनाकर अवधराज विलैया का स्वागत किया गया। वहीं ढिंडोरी भाजपा जिलाध्यक्ष अवधराज विलैया ने कहा कि उन्हें प्रदेश संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उसे ईमानदारी से निभाएंगे। देखिए, जिस तरह कार्यकर्ताओं के बीच में आज आप सबने उत्साह देखा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यह जो जिम्मेदारी दी है, वास्तव में एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मिलकर उस विश्वास में खतरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, आज आपने मंच में देखा कोई रूठा नहीं है। सारे पुराने 6 जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ 2 राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश दुर्वे जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। कहीं कोई रुष्ट नहीं है, सब मिलकर एक साथ एक माला के मोती बनकर काम करेंगे हम। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार दोनों विधानसभा जिताकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। ये जो युवाओं के बीच में जो जोश है, इस जोश को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और मतदान केंद्र तक इस जोश को पहुँचाने का काम करूँगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूँगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।